आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर किदवई साहब, कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर हसीब साहब, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब शमशुद्दीन पुणेकर साहब, अब्दुल हामिद रजिस्ट्रार साहब, सैयद हैदर पाशा कादरी साहब और मुझे राजनीति विज्ञान का पाठ ही नहीं केवल पढ़ाने वाले बल्कि मुझे जिंदगी के प्रत्येक आयाम पर मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे उस्ताद, मेरे गुरु पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने कानूनविदों में शुमार और हिंदुस्तान के विभिन्न मंचों में जाकर के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कानून के स्कॉलर तैयार करने वाले लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर शकील समदानी साहब, हमारे बीच में शिक्षक संघ के पूरे मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर एनडी कौशल साहब, हमारे यहाँ पर उपस्थित दीगर मेहमान असातजाए इकराम और सर सैयद के चमन के धड़कते हुए दिलों, अस्सलाम वालेकुम। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मेरी एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। सबसे पहले मैं सर सैयद साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं, जिनके एहसानों का बदला हम कयामत तक नहीं चुका सकते। वो सर सैयद साहब जिन्होंने अंधेरों को उजालों में तब्दील किया, वो सर सैयद साहब जिन्होंने मायूसियों को हौसलों की उड़ान बख्शी, वो सर सैयद साहब जिन्होंने मुल्क की तहजीब को मुहाफिज रखा, मुल्क की तहजीब की हिफाजत की, वो सर सैयद साहब जिन्होंने इल्म की दौलत लुटाई, वो सर सैयद साहब जिनकी कुर्बानी मिसाल के तौर पर याद की जाती है, ऐसे सर सैयद साहब का जब नाम हमारी जुबान पर आता है, सर सैयद साहब का नाम हमारे जहन में आता है, तो अपने आप ही हमारा दिल और हमारा सर अदब और एहतराम से झुक जाता है और सिर्फ एक ही पुकार करता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चीमा में। हिंदुस्तान के लिए 19वीं सदी बड़ी महत्वपूर्ण सदी थी। मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था। हिंदुस्तानियों की 5000 पुरानी संस्कृति, हिंदुस्तानियों की 5000 सालों पुरानी सिविलाइजेशन, रीतों रिवाज अपने आप को ब्रिटिशर्स से अपने आप को निम्नतर महसूस कर रही थी, अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रही थी। हिंदुस्तानियों का आत्मबल गिर चुका था, हिंदुस्तानियों का पूरा जो ताकत थी, शक्ति थी, अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। ऐसे समय पर हिंदुस्तान में रिफॉर्मर की जरूरत थी, हिंदुस्तान में सुधारकों की जरूरत थी। बंगाल से आवाज उठती है राजा राम मोहन रॉय की, हिंदुस्तान से दूसरे कोने से आवाज उठती है स्वामी दयानंद सरस्वती की, मुल्क के दूसरे हिस्से से आवाज आती है स्वामी विवेकानंद की, हिंदुस्तान के एक कोने से आवाज आती है ईश्वर चंद विद्यासागर की। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू समाज के रिफॉर्म के लिए ये लोग काम कर रहे थे। हिंदुस्तान का एक दूसरा वर्ग ऐसा था जिसको भी रिफॉर्मर की जरूरत थी, वो उस वर्ग में रिफॉर्मर की थोड़ी देर से रिफॉर्म शुरू हुआ। लेकिन जो रिफॉर्मर आए जिन्होंने मुसलमानों की स्थिति को, आज जो मुसलमानों की स्थिति है उसको जहां तक ठीक करने की कोशिश की, उसमें अगर एक नाम आता है तो सर सैयद साहब का नाम आता है। पहले जितने रिफॉर्मर हुए, चाहे राजा राम मोहन रॉय हुए हो,
चाहे रिफॉर्मर के रूप में स्वामी विवेकानंद हुए हों, उन्होंने समाज के एक नफ्स को पकड़ा, समाज के एक आयाम को पकड़ा। किसी ने बाल विवाह के रोकने का प्रयास किया, किसी ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, किसी ने विधवा पुनर्विवाह की कोशिश की, लेकिन सर सैयद साहब ने समाज के पूरे जितने भी आयाम है सभी आयामों को कोशिश की कि पूरे आयाम पर काम करें। वो पूरे आयाम, जितने भी आयाम थे, चाहे वो तहजीब व तमद्दुन का आयाम हो, मजहब का हो, इल्मो अदब का हो, चाहे वो तालीम का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उन्होंने हर प्रकार की नब्ज पर उन्होंने अपना हाथ रखा। जितने भी रिफॉर्मर हुए, किसी रिफॉर्मर ने सोचा, उन्होंने बुनियाद बनाई, किसी ने शास्त्र को बुनियाद बनाई, किसी ने पुराण को बुनियाद बनाई, किसी ने वेद को आधार बनाया, किसी ने संस्कृति को आधार बनाया, किसी ने चरित्र को आधार बनाया, किसी ने ईमानदारी को आधार बनाया। लेकिन सर सैयद साहब ने ठीक इससे हट करके उन्होंने तालीम को आधार बनाया, उन्होंने एजुकेशन को आधार बनाया, और इसी एजुकेशन पर उन्होंने जो काम किया मुसलमानों की शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, मुसलमानों के सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, उनको पता था कि 1857 का जो गदर हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उनको पता था कि अंग्रेजों से हम ताकत से नहीं लड़ सकते, अंग्रेजों से हम तोपों से नहीं लड़ सकते, अंग्रेजों से हम बंदूकों से भी नहीं लड़ सकते, अंग्रेजों से अगर हम लड़ सकते हैं तो तालीम से लड़ सकते हैं, अंग्रेजी तालीम को प्राप्त करके लड़ सकते हैं, अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो साइंटिफिक एजुकेशन से लड़ सकते हैं। यही जो उन्होंने कार्य किए, जो प्रयास किए, वो धीरे धीरे अलीगढ़ मूवमेंट की शक्ल में हमारे सामने आया। और इसी अलीगढ़ मूवमेंट में 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, मुसलमानों के लिए की, मुसलमानों की शिक्षा के लिए की, लेकिन उस इदारे के दरवाजे हर मजहब के लिए खुले थे, किसी एक मजहब के लिए नहीं। सर सैयद साहब की जो सोच थी, जो विशाल सोच थी, जो विस्तृत सोच थी, वो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि जो सबसे पहला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहला ग्रेजुएट हुआ वो ईश्वरी प्रसाद हिंदू समाज का व्यक्ति हुआ, ये सर सैयद साहब की सोच को इंगित करता है। इतना ही नहीं, आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम छात्र पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उनको ये पता नहीं होता, उनको ये भान नहीं, उनको ये जानने की जरूरत भी नहीं होती, और उनको ये एहसास नहीं होता कि मेरे बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, मेरे बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति ईसाई या सिख है, उसको इस चीज से कोई परवाह नहीं होती। लाइब्रेरी में साथ में पढ़ता है, पूरे दिन थक करके जब अपने हॉस्टल में पहुंचता है, मैं यहां पर 7 साल आफ्ताब हॉल में रहा हूं, जब अपने हॉस्टल में पहुंचता है तो वहां पर 2 बेड पड़े होते हैं उस कमरे में उसको यह पता नहीं होता कि इस कमरे में जो दो बेड है, उस पर एक बेड पर सोने वाला लोकेश शर्मा है, दूसरे बेड पर सोने वाला जमशेद आलम है, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं होता कि यह मुसलमान है या हिंदू है, वो महसूस भी नहीं करता, वो केवल यह सोचता है कि ये मेरे बराबर में जो सोने वाला जमशेद आलम है यह मुसलमान नहीं है, यह मेरा भाई है, यह मेरे बराबर में जो बैठा हुआ लेटा हुआ मेरा भाई है यह हिंदू नहीं है, बल्कि यह मेरा भाई है, यह अलीग है, बल्कि यह सर सैयद के चमन का धड़कता हुआ दिल है, यह हिंदुस्तान के यहां की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अलीगढ़ मूवमेंट की रिवाइज रही है, यहां की एक पहचान रही है। लेकिन आज इसको पूरी जिम्मेदारी, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी अलीग बिरादरी की है। सर सैयद साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, उसकी 2 आंखें एक हिंदू एक मुसलमान है, दोनों आंखें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जब कोई किसी दुल्हन की एक आंख अगर कमजोर होगी तो दुल्हन सुंदर नहीं लगेगी, दोनों आंखें मजबूती की ओर जानी चाहिए, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर होगा तो हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता तो हिंदू भी मजबूत नहीं हो सकता, दोनों वर्गों को मजबूत होने की जरूरत है। सर सैयद साहब ने जो कौम का शब्द का प्रयोग किया, वो कौम का शब्द केवल मुसलमानों के लिए नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर एक व्यक्ति के लिए किया, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, चाहे सिख समाज से हो, चाहे ईसाई समाज से हो, हर समाज के लिए किया।
हमको आज एजुकेशन, जो अलीगढ़ मूवमेंट का मुख्य आधार थी, बुनियाद थी एजुकेशन, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन में वो ताकत है, एजुकेशन में वो शक्ति है, तालीम में वो ताकत है कि एक मछुआरे के बेटे को मिसाइल मैन के रास्ते से हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना देता है। तालीम में वो शक्ति है कि एक छोटे से गरीब घर का बालक हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति बनता है और देश को हामिद अंसारी के रूप में देता है। ये तालीम की ताकत है, ये तालीम की शक्ति है कि जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाती है। ये तालीम की ताकत है। आज इस समय पर और ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। जब हमारे बीच में इस प्रकार के कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, उनको हम भावनाओं से, इमोशनों से उनको टैकल नहीं कर सकते, उनका समाधान भावनाओं से नहीं कर सकते, बिना जाने समझे एक दूसरे को नहीं कर सकते। जब तक हम उनको तार्किकता के साथ रैशनल होकर उन चीजों को नहीं समझेंगे और हमारे जो पूर्वाग्रह होंगे उनको हम दूर नहीं करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बहुत आरोप लगते हैं, तमाम लोग लगाते हैं कि यहां पर एक विशेष मजहब के लोग रहते हैं, विशेष मजहब के लोग विशेष कार्य करते हैं। लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट की इस समय पर और ज्यादा प्रासंगिकता बढ़ जाती है। ये जिम्मेदारी हम अलीगढ़ लोगों की बढ़ जाती है कि जो लोग ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं उनको ये जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, उनको मुंहतोड़ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि सर सैयद के कैंपस में एक बार आकर के देखो यहां पर कैसा माहौल रहता है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हिंदुस्तान के विभिन्न मंचों पर जाता हूं, वामपंथी मंच होते हैं, दक्षिणपंथी मंच होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तमाम तरह के पर जाता हूं। मैं सीना ठोक के उनके सामने कहता हूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हूं, मैं अलीग हूं, मैं अलीग हूं, यह तालिबे इल्म हूं यहां का, यह सीना ठोक के कहता हूं। मैं यहां की पहचान है। आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, दुनिया में कहीं चले जाइए, अगर वो अलीग नहीं है, अगर आपने कह दिया कि मैं अलीग हूं और अलीग के बारे में जानता है, फिर देखिए आपका कितना सम्मान करता है, कितना वो सम्मान नहीं करता। मुझे फक्र है इस बात का। मैंने इसी सरजमी से जो तालीम ग्रहण की है, इसी सरजमी से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। प्रोफेसर मुहिबुल साहब बैठे, समदानी साहब बैठे, और भी मुझे शिक्षक इस्तेजा साहिबान मुझे नजर आ रहे हैं, मैंने उनके चरणों में बैठ करके शिक्षा का यहां से पाठ पढ़ा है। यहां जो भी आज भी जो भी हूं, छोटा मोटा जो कुछ भी हूं, इसी सरजमी की बदौलत हूं। यह मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं। बड़ी आज जो हमने लिया है विश्वविद्यालय से, आज वो हमारे ऊपर कर्जा है, वो हमारे ऊपर कर्ज है। जब भी वक्त आएगा उसको लुटा देंगे, वापस करेंगे, वापस करने की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देने का वक्त है, अब वास्तव में वक्त है। ऐसे समय पर जिस समय पर हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर उल्टी सीधी बातें हो रही हो, उस समय पर हमको जागरूक होकर के हमको अलीगढ़ मूवमेंट को आगे बढ़ाने का समय है। जब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे लायक जब भी कोई बात होगी, लोकेश शर्मा 2400 घंटे यहां पर तैयार रहेगा। लोकेश शर्मा याद यहां पर वादा करता है, राहे दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, राहे दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में उतरो तो खबर कर देना। मैं चला आऊंगा देरीना मोहब्बत ठहरी, मैं चला आऊंगा देरीना मोहब्बत ठहरी, तुम कभी टूट के बिखरो तो खबर कर देना, तुम कभी टूट के बिखरो तो खबर कर देना। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर समदानी साहब का, उन्होंने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस पाक और मुकद्दस सरजमी पर मुझको बुलबुल आने का मौका दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं पहला कदम रखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मां की गोद में आ गया हूं। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मां की गोद में बैठा हुआ हूं। इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई धन्यवाद। शोएब अली साहब को, डॉक्टर हैदर अली साहब को, खलील चौधरी साहब को, सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अलीगढ़ जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।